सो हे देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉब का फ्रेंड फैंसी पॉकेट। आज का हमारा गेम प्ले होने वाला है ट्रैवल एंड गेम प्ले के ऊपर। और पहले ही बता दो भाई, ये काफ़ी ज़्यादा एचपी रिकवरी वाला पोकेमोन होने, और दूसरी बात ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज ले भी सकता है, तो डैमेज टिकन भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। इसका एवरेज डैमेज है भाई, डैमेज भी ये मीडियम एवरेज सा दे देता है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी टीम को हेल्पफुल होता है और बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। और इसका बिल्ड ये रहा, मैं इसके साथ स्टैक कर रहा हूँ। ऑफकोर्स भाई, इसके साथ स्टैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो बड़ी बैरियर की जगह आप लगा सकते हो वीकनेस पॉलिसी, अगर आपको अपना डैमेज और ज़्यादा बढ़ाना है तो। बट मैं तो बड़ी बैरियर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डैमेज और ज़्यादा लेना है। और दूसरी बात, मैंने इससे 1.5 लाख का भी डैमेज लिया हुआ है। फ़ोटो मेरे पास नहीं है, बट फिर भी भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे हुए हैं, बट मैं इससे बहुत कम खेलता हूँ क्योंकि मेरे को ये एवरेज सा चलाना आता है, मैं अच्छा बिल्कुल नहीं चलाता ये। और दूसरी बात, इसके साथ मैंने अटैकिंग एमला भी लगाया भाई, क्योंकि इसका अटैक थोड़ा बढ़ाना ज़रूरी था। ओके, इसकी एचपी रिकवरी भी अपने आप होती रहती है, और ऊपर से मेरे साथ ब्लिसी भी है भाई। अब सोच ही सकते हो कितनी एचपी रिकवरी होगी मेरी। मुझे सबसे ट्रोलिंग लगता है ये वाला पोकेमोन सेबला है। ऑफकोर्स भाई, सेबला है मेरे पॉइंट्स गिरा देता हूँ, मैं ले भी नहीं सकता उसको। ये सबसे घटिया चीज़ है, आई हेट सेबला है रियली। बट हाँ, हमारी टीम में हो तो मुझे बड़ा पसंद है। ओके, मैं इवॉल्व तो नहीं हुआ, मेरे को लगा मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, बट नहीं, ब्लिसी इवॉल्व हो चुकी है। और भाई ब्लिसी, तो जल्दी से कुछ खा, बैरी खा भाई, वरना तू मर जाएगी। नहीं, ब्लिसी के पहले मैं मर जाऊँगा सच्ची। ओके, अब मैं तो, चलो एक बंदा तो मर गया, मेरा कर्ज खुल चुका है। अगर आप चाहो तो वुड हैमर ले सकते हो, वुड हैमर बहुत स्टन प्रोवाइड करता है, बट मेरे को ये ज़्यादा पसंद है कर्ज। और कर्ज मेरा वेस्ट हो गया काइंड ऑफ, क्योंकि मैंने डैमेज लिया तो सही। कर्ज का जब ये रिंग होती तब भी डैमेज देता है, बट कर्ज का जो बर्स डैमेज है वो ज़्यादा है भाई यार। एक तो ये मेरे को कभी स्टैक ही नहीं करने देगा, ये अलग दिक्कत है भाई। सबसे बड़ी स्टैक करने में सबसे बड़ी दिक्कत है, तो यही एक दिक्कत है। ओके, इसका बर्स डैमेज मतलब मैं बता दूँ कि इसका कर्ज का जो लास्ट वाला हीट होता है, डबल बार क्लिक करना होता है, एक बार एक्टिवेट करने के लिए, एक बार उसका डैमेज देने के लिए। तो भाई दूसरा जो अटैक होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, घुस गया मैं तो। और यहाँ पे भाई जैसे ये कर रहा है, ये मेरा फुल हो गया, और ये देखो आधी से ज़्यादा एचपी खा ली भाई मैंने। इस तरह से इसका डैमेज है काफ़ी अच्छा। हॉर्न लीच आ चुका है, इसके साथ हॉर्न लीच खेलना, पेन स्ले स्प्रिट भी अच्छा है, बट फिर भी मेरे को हॉर्न लीच ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये स्टन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ओके, और भाई मेरा कर्ज वेस्ट हो गया काइंड ऑफ। मैं यहाँ पे पता नहीं गोल करने के लिए क्यों मर रहा हूँ भाई, थोड़ा डैमेज खा ही लेते अब। ओके, इन सबको एक साथ घसीट के लेके चलो। और कर्ज मेरा यूज़ नहीं हुआ, वरना इनको मारने की कोशिश भी कर सकता था। ओके, मैं कर्ज बहुत बाद जल्दी जल्दी चला रहा हूँ, अगर मैं फुल होने दूँ कर्ज को तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं अपने फुल स्टैक कर चुका हूँ, फिर भी थोड़े और गोल कर रहा हूँ ताकि मैं इनसे थोड़ी देर के लिए बचता रहूँ। ओके, अब आई थिंक मैं मर ही जाऊँगा। ओके भाई, अभी भी थोड़ा, मैंने कितना इनको ट्रोल किया ये सोच ही सकते हो, कितना डैमेज ये ले सकता है। ओके, मैं फाइनली मर गया, ये बहुत ट्रोल करके मर रहा हूँ। हमारे एरिया में सेबल आए घूमे, और मैं उसके ज़िंदा जाने नहीं देना चाहता, बट उसका फोकस ट्रिगर हो गया यार, ये गलत चीज़ है। नहीं 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 नहीं, एक ट्राई कर सकता हूँ, नहीं मिला यार। सामने गाड़ी और थी थोड़ी, तो भाई थोड़ा तो प्रॉब्लम होना ही है। ओके, और हाँ भाई, नहीं मैं गलत फंस गया यार, थोड़ा तो अब मैं इनका परेशान करने की कोशिश कर सकता हूँ। एक तो ये स्टन दे रही है बार बार, इसकी वजह से इसका काइंड ऑफ भाई गाड़ी वॉर इसको हरा सकती है इजीली, ये प्रॉब्लम है गाड़ी वॉर। गाइस, गाड़ी वॉर से बदला लेने का इससे अच्छा मौका मेरे को नहीं मिलेगा भाई। गाड़ी वॉर इवॉल्व भी हो गई, वाह, मैं इसको खींच के दूर लेके जा चुका हूँ। और एक तो ये सबसे ट्रोलिंग तो ये इसकी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बचा रहा है इसको, ये काफ़ी अच्छा पोकेमोन है भाई। बट मैं इसका स्टेल्थ रॉक यूज़ करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ। वाह भाई, मेरे को एक पॉइंट भी नहीं दिया, बट मेरे स्टैक फुल हो चुके तो अब मेरे को पॉइंट चाहिए भी नहीं। और वाह भाई, क्या हॉर्न लीच चला है मैंने सच्ची। जब हॉर्न लीच मिस होता है, और हमारे प्लेयर्स देख लेना, जो भाई ऑकवर्डनेस होती है वो इंटू 100 होती है। अरे यार, एक तो ट्रैवलेंट की एक चीज़ बहुत बुरी है कि इसकी रेंज बहुत कम है। हाँ, इससे हॉर्न लीच से उसकी रेंज में जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट फिर भी। ओके, मैं अब इसको तो मार के ही रहूँगा। ओके, गाड़ी और तो मर गई। अब पता नहीं हम यहाँ पे पुश क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, बट हम फिर भी पुश कर रहे हैं। और यहाँ पे अल्टी चला ही देता हूँ भाई, आजा सीजर फाइट ले भाई। सीजर धोखा देके चला गया मेरे को, बट मैं फिर भी थोड़ा तो फाइट लूँगा। ओके भाई, सेबल आई ने एंड में मेरे को मार दिया, बट मेरे 3 किलो 3 असिस्ट है। रेजिला की स्पॉन हो चुका है, और वहाँ पर रेजिला की फ़ाइट भी चल रही है, और यहाँ पर इनका डेसीडोआ अलग चल रहा है भाई। डेसीडोआ अलग मार रहा था भाई, इसको लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, है ना।
ओके, मेरे को लगा था मेरे को किल मिल जाएगा, मैंने किल स्टिल करने की पूरी कोशिश की थी बट नहीं मिली। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे ब्रो, ऐसे कैसे हमारे पोकेमोन को इतना इजीली ट्रोल करके थोड़ी जा पाओगे। ओके, मेरे को लगा उनका मेमो, उनके पास मेमो है या नहीं वो भी मेरे को पता नहीं है। ओके, उनकी गाड़ी और आ चुकी है और इनकी गाड़ी का मून ब्लास्ट सबसे इरीटेटिंग है सही बताओ तो। ओके, वो तो गई, आराम से गई भाई वो। अब फाइट लेना बेवकूफ़ी है मेरे लिए और मैंने फ़ाइट ली है भाई। ओ नो, वो मेरे को मार देगा, ऑफ कोर्स मार देगा इजीली मेरे को। नीचे रेजियाई स्टील या फिर रॉक जो भी स्पॉन हुआ है वो स्पॉन हो चुका है और मैं यहाँ पे पता नहीं फार्म क्यों कर रहा हूँ। हमारी पूरी गैंग वहाँ पे पुश करवाने जा रही है। मैं पुश करवाने इसलिए नहीं गया कि भाई मैं जब तक जाऊँगा तब तक तो हो जाएगा ख़त्म। वहाँ पे अलग पुश चल रहा है हमारी टीम का मेन पे और मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। वो डाइवर्ट कर रहे, तब तक मैं आराम से इजीली मैं यहाँ पे ये ले लूँगा बहुत इजीली। और इसकी डैमेज एक डिफेंडर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ओके, और जैसे मैंने कर्ज चलाया तो भाई अपने आप रिकवर हो गया, मतलब कूल डाउन हो गया, तो भाई बहुत ही सही चलता है ये। अब देखो कर्ज चलाओ, फिर ये और फिर से ये, तो हॉर्नलिच ऐसे रिकवर होता रहेगा। पहले हॉर्नलिच चलाओ, फिर कर्ज चलाओ, फिर कर्ज को बस डैमेज दो, फिर हॉर्नलिच अपने आप ये रिकवर हो जाएगा। ओके, और ये वापस से पहले एक बार फुल होने दो। अरे इस बार मिस हो गया, अच्छे से लगा नहीं इसकी वजह से, बट इट्स ओके, लीव इट। ओके, मेरा ये हो चुका है, मैंने ले लिया और रेजी स्टील मिला है तो भाई मेरा अटैक बहुत अच्छा बढ़ गया होगा, तो अब मैं फाइट भी ले सकता हूँ अच्छी खासी। और मेरा 11 लेवल हो चुका है तो अब और डैमेज निकल चुका है मेरा। ओके, अब उन हम दोनों ने भाई अपने अपने रास्ते चल पड़े, वी डोंट केयर। ओके, यहाँ पे इनका ये है सेबल आए, सेबल आए को घसीटो। बहुत बहुत पहले परेशान किया ना स्टार्टिंग गेम में, अब मैं तेको करता हूँ। रुक रुक बेटे, भाई कहाँ जाएगा भक्के, फोकस यार, एक तो फोकस बचा लेता है इन लोगों को। ओके, नहीं नहीं घुसना है ना तुम दोनों को, घुसो भाई, नहीं नहीं घुसो मेरे साथ। ओके, अब ये लोग तो इजीली मरेंगे, एक तो मर गया, एक ग्रेनिंजा मारने, ग्रेनिंजा एंड में स्टील करने आया था बट मैंने नहीं स्टील करने दिया। ओके भाई ग्रेनिंजा मरना मत। ओके, मेरा वेस्ट हो गया यार ये भाई, हम यहाँ अलग लैग हो रहा है भाई, अलग लेवल का लैग हो रहा है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा एक साथ अल्टिया और वो सब चल गई है। ओके भाई, अब ले लिया है हमारी टीम ने। ओके, यहाँ पे गाड़ी वार है भाई, स्टील करने का पूरा चांस लगता है भाई गाड़ी वार का। ओके, बट हम फिर भी भाई मेल्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई। ओके, हाँ उनकी टीम में मेमो है भाई, मेरे को लगा था मेमो नहीं होगा बट चलो हमारी ब्लिसी ने सिक्योर कर दिया है भाई, अच्छा खासा सिक्योर करने ये भी आया था। ओके, आई थिंक हमारे दो पोकेमोन बेस चले जाएंगे, चले गए भाई, ग्रेनिंजा और सीजा बेस चले गए, बट इट्स ओके, मैं तो गोल कर लेता हूँ अपना। और काश हमारी टीम, ओके मेरा ही अकेले का गोल हुआ और किसी का हुआ ही नहीं, बट हम थोड़ा और डैमेज बढ़ा सकते थे अपना बट बढ़ा नहीं पाए, इट्स ओके। और ओके, मैं अपना नेटवर्क चेक कर रहा था क्योंकि भाई 1 पिंग दिख रहा है तो काफ़ी डर गया मैं कि नहीं भाई नेटवर्क ख़राब नहीं होना चाहिए। और देख लेते हैं, पहले सबको लाइक दे देते हैं। MVP मैं बना क्योंकि मेरा ही स्कोर हुआ है और सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा ही है, 6 किल 6 असिस्ट और डैमेज सेकेंड हाईएस्ट डैमेज है। रिकवरी और कितना डैमेज लिया वो देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।